हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलास्टिसिटी। हमें पता है कि फोर्स जो है वो बॉडी का शेप भी चेंज कर सकता है, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जिन जिन बॉडीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो सभी डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं, यानी फोर्स अप्लाई करने से उनका शेप चेंज हो सकता है। अब इसके पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, कुछ बेसिक बात हमें समझना जरूरी है। वो ये है कि जब भी हम किसी बॉडी का शेप या साइज चेंज करते हैं तो बॉडी का अपना शेप रीगेन करने की एक टेंडेंसी होती है। जिस बॉडी में शेप रीगेन करने की जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी वो बॉडी उतना इलास्टिक होगा, और जिस बॉडी में शेप रीगेन करने की टेंडेंसी जितनी कम होगी वो उतना कम इलास्टिक होगा। यस यस सुन, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो नियरेस्ट बॉडी है उसकी वो है क्वार्ट्ज फाइबर। और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो नियरेस्ट है उसके वो है पुट्टी। यस डियर सुन, पुट्टी दो आटा जो हम गूंथते हैं या क्ले, उसको हम अगर शेप चेंज करें तो उसके वापस आने की टेंडेंसी ना के बराबर होती है, उसका शेप रीगेन करने की टेंडेंसी ना के बराबर होती है, क्योंकि उसमें कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर हम बात करें क्वार्ट्ज फाइबर की, या हम बात करें रबर स्टील वगैरह की, तो इन सब के साथ क्या होता है कि इनका जब हम शेप या साइज चेंज करते हैं तो इनमें एक अच्छा खासा रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो इनको वापस अपने ओरिजिनल शेप पर लाने की कोशिश करता है। यस यस सुन, अब हम देखते हैं कि एटॉमिक लेवल पे ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि बॉडीज में एक टेंडेंसी होती है अपना शेप वापस से रीगेन करने की। तो यस सुन, हम बात करेंगे जब दो एटम्स की, तो किसी भी सॉलिड के अंदर जो दो एटम्स होते हैं उनको हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। तो मान लो ये एक एटम है और ये एक दूसरा एटम है। हमको पता है कि दो एटम अगर मान लो इनिशियली एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे मेंटेन है, तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो एटम्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं। दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्यों होते हैं, क्योंकि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को और उसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और रिपल्सिव फोर्सेस क्यों होते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन को और उसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होता है, इस वजह से रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं। यानी दो एटम्स के बीच में सॉलिड के अंदर, एक सॉलिड के अंदर जो बहुत सारे एटम्स हैं उन सारे एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं। लेकिन जब कोई भी दो एटम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे होता है तो उनके बीच में जितना अट्रैक्टिव फोर्स है उतना ही रिपल्सिव फोर्स है, सच दैट नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कहाँ पे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे। यानी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे द नेट अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू द नेट रिपल्सिव फोर्स एंड देयरफॉर दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दोज एटम्स बिकम इक्वल टू जीरो। तो उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, और उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। स्प्रिंग क्यों बनाया है, स्प्रिंग समझने के लिए बनाया गया है स्टूडेंट्स। भाई दो एटम को हम एक स्प्रिंग जैसा दिखा सकते हैं कि उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो स्प्रिंग की तरह से वो जुड़े हुए हैं आपस में। अब देखो डियर फ्रेंड्स, जब हम दो एटम्स को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, यानी अगर मेरे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी को मैं खींच रहा हूँ, खींचने का मतलब है कि दो एटम्स को एक दूसरे से दूर ले जाना। जब दो एटम्स एक दूसरे से दूर ले जाएंगे हम, तो हमने आर को बड़ा कर दिया, आर नॉट से आर, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो हमने आर नॉट से बड़ा कर दिया है। तो उस केस में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा रिपल्सिव से, यानी अट्रैक्टिव फोर्स विल बिकम ग्रेटर देन दी रिपल्सिव फोर्स। तो हम ये देख रहे हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इस तरह से एक्ट करेगा जो कि उसको वापस अपने ओरिजिनल पोजिशन पे ले जाने की कोशिश करेगा, वापस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर ये तो हमने स्ट्रेच किया था तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगने लगे थे, लेकिन अगर मान लो हमने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से उनको कंप्रेस किया, तो जब हम कंप्रेस करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा। और वो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं आर इज लेस देन आर नॉट, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कम हमने इनके बीच का डिस्टेंस कर दिया है, तो उस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस तरह से लगेगा और रिस्टोरिंग फोर्स फिर से उसको वहां ले जाने की कोशिश करेगा। इस केस में कौन बड़ा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, इस केस में जब हम उसको कॉम्प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स विल बिकम
रिपल्सिव फोर्स विल बिकम ग्रेटर देन दी अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जब इसको स्ट्रेच किया तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्स, और जब इनको कॉम्प्रेस किया है तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स, और इसलिए जब हम बॉडी को खींचते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजिशन में जाना चाहती है, और जब हम बॉडी को कॉम्प्रेस करते हैं तो फिर से वो वापस अपने ओरिजिनल पोजिशन पर जाने की कोशिश करती है। वो क्यों होता है आपको समझ में आ गया कि दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का एक बहुत नाजुक सा बैलेंस होता है, जहां उस बैलेंस को बिगाड़ेंगे तो फिर एक नेट रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देगा, जो उसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। डियर फ्रेंड्स, ये जो फिनोमेना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है स्प्रिंग के थ्रू, उसी फिनोमेना को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ग्राफ दिखाया गया है, ऊपर वाला जो ग्राफ है वो फोर्स और दूरी का ग्राफ है, और जो नीचे वाला ग्राफ है वो पोटेंशियल एनर्जी और दूरी का ग्राफ है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स पहले तो हम ये फोर्स वाला ग्राफ समझ लेते हैं। तो देखो, इनिशियली दो एटम्स के बीच की दूरी कितनी थी, आर नॉट थी, तो उनके बीच में लगने वाला नेट फोर्स क्या था, नेट फोर्स जीरो था, जो हम यहाँ देख सकते हैं। इसको ऐसा इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पे है। तो जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होता है तो उसका ना ही कोई कंप्रेशन हुआ हुआ है ना ही कोई इलॉन्गेशन हुआ हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, नहीं, यानी कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे एक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो है, इसीलिए इस पोजीशन पे ये आर नॉट दूरी पर नेट फोर्स क्या है, जीरो। लेकिन लेकिन जब हम इधर जाएंगे डियर फ्रेंड्स, तो इधर जाने का मतलब है कि हम ये जो आर की वैल्यू उसको आर नॉट से ज्यादा कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उधर जाने का मतलब है कि आर हम आर नॉट से बड़ा कर ले रहे हैं, जो कि ये वाला केस है। तो इस केस में क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जहां हम आर बड़ा कर देंगे आर नॉट से, तो क्या नेट फोर्स किस रूप में लगना शुरू हो जाएगा, हम देख रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, रिपल्सिव घट जाएगा, यानी जो नेट फोर्स है वो कैसा फोर्स है, द नेट फोर्स विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम इसका से भी समझ सकते हैं कि जब हमने आर को आर नॉट से बड़ा किया तो फोर्स नेगेटिव हो गया। तुम बस इसके टर्म्स में देखो डियर फ्रेंड, जहां हमने आर को आर नॉट से बड़ा किया तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव, तो नेट फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर हम ग्राफ से इस तरफ आएंगे तो इस तरफ मतलब हम क्या कर रहे हैं डियर सर, हम आर को आर नॉट से कम कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं उसको, ये वाला केस। तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे नेट फोर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिपल्शन। और हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हमने आर को मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव दिया तो फोर्स पॉजिटिव हो गया। देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव, जिसको हम यहां समझ सकते हैं, इसको छुपा देता हूँ इसके थ्रू। देखो तो जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ तो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो पॉजिटिव। ठीक है डियर, ये सिंपल शब्दों में मैं ये ग्राफ समझा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली इस तरफ आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस तरफ जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और यहाँ पर रहेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली आर इक्वल टू आर नॉट पर रहेंगे तो वहां पर नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस होगा। तो ये तो हमारा हो गया डियर सर फोर्स और दूरी का ग्राफ, और अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और दूरी का ग्राफ। तो डियर फ्रेंड्स, जहां पर फोर्स जीरो है यानी इक्विलिब्रियम दूरी पर फोर्स जीरो है, तो जब नेट फोर्स जीरो है तो उसी इक्विलिब्रियम दूरी पर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है डियर फ्रेंड, मिनिमम है। क्यों भाई, ये वाला केस देखो, यही केस है ना आर नॉट दूरी। तो देखो यहां पर स्प्रिंग ना ही स्ट्रेच किया हुआ है ना ही स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ हुआ है, यानी नेट फोर्स जीरो है। तो ना ही स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है ना ही स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है, तो जब स्प्रिंग ना ही कॉम्प्रेस हो ना ही स्ट्रेच हो तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी, क्योंकि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है ना, तो एक्स जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये तो स्प्रिंग बस समझाने के लिए लिया गया, एक्चुअल में दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, ये उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगा रहा है, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगा रहा है। तो स्प्रिंग तो बस समझाने के लिए वहां बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर है वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। एनीवेज, तो जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है डियर फ्रेंड्स पूरे सिस्टम की, वो मिनिमम होगी, नेट फोर्स जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और जहां हम
आर को लेस देन आर नॉट करना शुरू करेंगे या ग्रेटर देन आर नॉट शुरू करना शुरू करेंगे। तो ये वो पॉइंट है, इसके उधर जाओगे तो आर ग्रेटर देन आर नॉट होगा, इसके इधर आओगे तो आर लेस देन आर नॉट होगा। तो जहां हम इसको खींचना शुरू करेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू होगी, और जहां कॉम्प्रेस करना शुरू करोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर इसको मैं कंप्रेस करूं या स्ट्रेच करूं, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। और मिनिमम कहाँ होगी? मिनिमम आर इक्वल टू आर नॉट से ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो उम्मीद है बात समझ में आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आर नॉट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो यहाँ पे आर नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और आर नॉट पे फोर्स जीरो है। आर नॉट पे फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है और आर नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये कभी कभार एमसीक्यूज में आने के चांस हैं, इसलिए मैंने ये ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब ये फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस चैप्टर में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस को मैंने यहाँ सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है। सिग्मा दो टाइप के होते हैं, एक स्मॉल सिग्मा एक कैपिटल सिग्मा। ये स्मॉल सिग्मा है और ये कैपिटल सिग्मा है, जिसको समीशन वगैरह के रूप में आपने देखा है मैथमेटिक्स में भी। तो ये कैपिटल सिग्मा है और ये स्मॉल सिग्मा है। वैसे ही ये कैपिटल ओमेगा है और ये स्मॉल ओमेगा है। ओमेगा ओमेगा सिग्मा सिग्मा, ये ओम नहीं है डिफरेंस, ये ओमेगा है, ओमेगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यानी स्ट्रेस को बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स के आधार पर डिफाइन किया गया है। अगर किसी बॉडी में कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, यानी अगर मान लो ये जीरो हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी अगर किसी बॉडी में कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो उसमें कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं हो पाएगा। और किसी बॉडी के अंदर जितना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा उतना ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। यानी स्ट्रेस कहीं ना कहीं रिस्टोरिंग फोर्स से रिलेटेड है। अब देखा गया कि अंडर इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है इसका दूसरा नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है डिफॉर्मिंग फोर्स, वो फोर्स जो बॉडी को डिफॉर्म करना चाहता है, उसके शेप और साइज को चेंज करना चाहता है। तो अंडर इक्विलिब्रियम ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स के इक्वल। तो उस केस में इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज नथिंग बट अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, पर ज्यादा बेटर डेफिनेशन क्या है रिस्टोरिंग फोर्स के आधार पे? ये तभी लिख पाओगे जब ये दोनों इक्वल होंगे, तभी हम ये लिख पाएंगे। एनीवेज सिंपल शब्दों में बोले तो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट है उनके सम्मान में पास्कल बोला गया। यानी स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट हो जाएगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो बात हो गई जैसे स्ट्रेस की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की। तो लेट्स सी स्ट्रेस के कितने टाइप्स होते हैं। देखो डिस्टेंस, यहाँ पे हमको तीन टाइप के स्ट्रेस पढ़ने हैं, तीन टाइप के स्ट्रेन पढ़ने हैं और इनका रेशियो निकाल दो। तीन टाइप के स्ट्रेस, तीन टाइप के स्ट्रेन और इनका रेशियो निकाल दोगे तो हमको मिलेगा तीन टाइप ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बारे में भी अभी हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स स्ट्रेस के अलग अलग टाइप। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस के तीन टाइप्स होते हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। दूसरा है शियर स्ट्रेस, जिसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तीसरा है बल्क स्ट्रेस, जिसको वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो आओ देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को सिग्मा एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज नथिंग बट एस एन अपॉन ए, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। टैंजेंशियल स्ट्रेस क्या है? टैंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, है ना। तो ये तो तीनों के बेसिक डेफिनेशंस हो गए। अब देखते हैं ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ये कब क्रिएट होता है? जब एक नॉर्मल फोर्स किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर एक्ट कर रहा हो। यानी मान लो ये एक थिन वायर है, तो इसका ये जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पे भी ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा हो। नॉर्मल फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स। तो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा हो, परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा हो, तो उसके वजह से लेंथ में बदलाव आ जाता है। लेंथ बढ़ सकती है या लेंथ घट सकती है। तो वहां पर जब स्ट्रेस डेवलप होता है, इन द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद द चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद द चेंज इन शेप इज कॉल्ड एज
शीयर स्ट्रेस, एंड द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद द चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। तो यहाँ लेंथ चेंज किया जाता है, यहाँ शेप चेंज किया जाता है और यहाँ वॉल्यूम चेंज किया जाता है। अब यह सेंस जैसे कि मैंने बताया कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स यहाँ नॉर्मल लगेगा। अब इसके ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, इसके दो टाइप में है, टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब बॉडी को खींचते हैं, खींच के उसका लेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर टेंशन क्रिएट होता है इसके अंदर और उसी को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जहाँ पे हम बॉडी को कॉम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसकी लेंथ घटाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा क्रिएट होगा और यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो जाता है और जो स्ट्रेस है वही हम बोलेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है, चाहे वो टेंसाइल हो चाहे वो कॉम्प्रेसिव हो, इट इज डेवलप्ड इन मटीरियल्स हैविंग रेजिस्टेंस टू चेंज इन लेंथ, यानी वो मटेरियल्स विच हैव रेजिस्टेंस टू चेंज इन लेंथ, अपने चेंज इन लेंथ को रेजिस्ट करें जो मटेरियल्स, उन्हीं में ये स्ट्रेस पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पाया जाता है। और वो कैसे मटेरियल्स हैं, ओनली सॉलिड्स, सिर्फ सॉलिड्स ही वो मटेरियल्स हैं, सिर्फ सॉलिड्स ही वो मटेरियल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज इन लेंथ। क्या लिक्विड लेंथ लेंथ चेंज को रेजिस्ट करेगा? नहीं। क्या गैस लेंथ चेंज को रेजिस्ट करेगा? नहीं। खींचोगे खींचता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा, जितना खींचोगे खींच जाएगा, है ना। तो इन उन दोनों में कोई रेजिस्टेंस चेंज इन लेंथ नहीं है, सिर्फ सॉलिड्स में है, इसलिए सॉलिड्स ही इस कैटेगरी में आते हैं, सॉलिड में ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है। अच्छा, तो जब ये स्ट्रेस एक्ट करता है तो क्या होता है, बॉडी के शेप में कोई बदलाव नहीं आता लेकिन वॉल्यूम और डेंसिटी बदल जाती है। देखो, अगर मैं इस वायर को खींच के लंबा कर दूं, इस वायर के टुकड़े को खींच के लंबा कर दूं, पहले भी सिलेंड्रिकल शेप था, बाद में भी शेप क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा। इसको कंप्रेस कर दूं तो भी पहले भी सिलेंड्रिकल था, बाद में भी सिलेंड्रिकल ही है, तो शेप में आज सच कोई बदलाव नहीं आ रहा। बदलाव किस में आ जाएगा? वॉल्यूम और डेंसिटी में। यानी अगर हम इसको खींच के लंबा कर दें तो वॉल्यूम बदल जाएगा, और क्योंकि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लगेगा जब इसको खींच के लंबा कर देंगे, तो वॉल्यूम बदल सकता है क्योंकि एटम्स के बीच की दूरी बढ़ जा रही है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी भी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब खींच के लंबा करोगे एटम्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एटम्स जब दूर चले जाएंगे तो डेंसिटी घट जाएगी ना, और यहाँ पर कॉम्प्रेस करोगे तो एटम्स पास आएंगे, एटम्स पास आएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम घट जाएगा। तो वॉल्यूम डेंसिटी में बदलाव आ सकता है लेकिन शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा, तब जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बॉडी पे एक्ट कर रहा हो तब। अगर हम बात करें शीयर स्ट्रेस की, जिसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल रहे हैं, तो वो कब लगता है? जब एक बॉडी के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा हो तब ये स्ट्रेस डेवलप होगा। अब टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है? बॉडी के सरफेस के पैरेलल अगर कोई फोर्स लगता है तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल फोर्स। अगर ये ऐसा लग रहा होता तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, फिर वो इस कैटेगरी में आ जाता। लेकिन ये पैरेलल लग रहा है इस एरिया के, ये जो एरिया हमको दिख रहा है क्यूब का, पैरेलल लग रहा है, इसलिए इसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे? टेंजेंशियल फोर्स। सो शीयर स्ट्रेस इज नथिंग बट टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर ये एरिया कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया, जिस एरिया के पैरेलल फोर्स लग रहा है वही एरिया हम यहाँ लिया हमने। और यहाँ कौन सा, यहाँ ये एरिया कौन सा एरिया है? जिस एरिया के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर वो फोर्स लग रहा है ना, उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने यहाँ लिया है, ठीक है। और यहाँ एरिया कौन सा एरिया है? यहाँ एरिया, ये पूरा एरिया है, ये पूरा सरफेस एरिया, जैसे अगर स्फीयर की बात करें तो 4πr², वो पूरा एरिया हमको यहाँ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इस पूरे एरिया पे लग रहा है ना, तो ये बात है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि शीयर स्ट्रेस कहाँ डेवलप होता है, ये भी ओनली सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि इट इज डेवलप्ड इन द मटेरियल्स हैविंग रेजिस्टेंस टू चेंज इन शेप। जिन मटेरियल्स में रेजिस्टेंस होगा टू चेंज इन शेप वहीं ये स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। अब देखो, क्या लिक्विड चेंज इन शेप को रेजिस्ट करते हैं? नो। क्या गैसेस चेंज इन शेप को रेजिस्ट करते हैं? नो। जैसा शेप दोगे वैसे शेप में वो आ जाएंगे, वो चेंज इन शेप को रेजिस्ट नहीं करते, इसीलिए उनमें शेप का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रिस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं उनमें, जहां तक शेप चेंज का सवाल है। तो इसीलिए ये वाला स्ट्रेस भी सिर्फ सॉलिड्स में होता है और ये वाला स्ट्रेस भी सिर्फ सॉलिड्स में ही होता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है, डिफरेंस इसका उल्टा यहाँ हो रहा है, यहाँ पे शेप बदल जाएगा लेकिन वॉल्यूम और डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ शेप बदला जा रहा है, वॉल्यूम और डेंसिटी को यहाँ नहीं बदला जा रहा। और अब आते हैं अपने आखिरी स्ट्रेस पे, जो बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस है। अब ये है फोर्स अपॉन एरिया, और ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे जो भी फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है वो फोर्स नेचुरली बॉडी के क्या है, बॉडी के परपेंडिकुलर एक्ट करता है ये। तो क्योंकि ये फोर्स बॉडी के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज वही फोर्स कर सकता है जो बॉडी के कैसे एक्ट कर रहा हो, परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा हो,
इसीलिए इस फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम चेंज इन प्रेशर भी बोल सकते हैं। यानी प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। यानी इसको भी हम प्रेशर लिख सकते हैं और इसको भी हम प्रेशर लिख सकते हैं, इसको हम प्रेशर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया है और प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यही डिफरेंस है रिलेशन, प्रेशर और स्ट्रेस में ये डिफरेंस है। तो दो डिफरेंस है बेसिकली अगर मैं बताऊं तो। एक डिफरेंस तो ये है कि प्रेशर सिर्फ नॉर्मल फोर्सेस की वजह से होता है, लेकिन स्ट्रेस नॉर्मल फोर्स की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस नॉर्मल फोर्स की वजह से भी हो सकता है और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से भी हो सकता है। पर प्रेशर हमेशा नॉर्मल फोर्स की वजह से होगा, पर स्ट्रेस टेंजेंशियल फोर्स के भी वजह से हो सकता है। तो ये एक डिफरेंस है प्रेशर और स्ट्रेस में। और दूसरा डिफरेंस ये है कि स्ट्रेस जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स पर डिपेंड करता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि बेसिक डेफिनेशन स्ट्रेस की जो थी वो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया थी, तो स्ट्रेस जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स पर डिपेंड करता है, पर प्रेशर अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करता है ना डियर सर। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि यूनिट दोनों का सेम है, यानी जो प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन पास्कल, स्ट्रेस का भी यूनिट वही है पास्कल। तो हम यहाँ देख रहे थे, तो ये जो स्ट्रेस है वॉल्यूम स्ट्रेस यानी बल्क स्ट्रेस, ये डेवलप इन मटीरियल हैविंग रेजिस्टेंस टू चेंज इन वॉल्यूम। अब रेजिस्टेंस टू चेंज इन वॉल्यूम किनके पास है, इन तीनों के पास, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के पास रेजिस्टेंस टू चेंज इन वॉल्यूम है। तीनों अपने वॉल्यूम चेंज को रेजिस्ट करेंगे, यानी गैस को भी कंप्रेस करना मुश्किल है, लिक्विड को भी कंप्रेस करना मुश्किल है, सॉलिड को भी कंप्रेस कर, तीनों को कंप्रेस करोगे ना तो वो रेजिस्ट करेंगे, अपने वॉल्यूम चेंज को रेजिस्ट करेंगे। इसलिए ये स्ट्रेस तीनों मटेरियल्स में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पाया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शेप यहाँ भी कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये कॉम्प्रेस किया, अगर मान लो तुमने सॉलिड को भी कॉम्प्रेस हो गया, ऐसा हो गया तो पहले भी ये सरिकल था बाद में भी सरिकल रहा, तो शेप में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ भी पहले भी सिलेंड्रिकल था, पहले भी सिलेंड्रिकल था और जब लंबा हो गया तो भी ये क्या रहा, खींच के लंबा कर दिया तो भी ये सिलेंड्रिकल ही रहा। तो इस केस में और इस केस में, इन दोनों केस में शेप में कोई बदलाव नहीं आ रहा, सिर्फ डेंसिटी और वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है, डेंसिटी और वॉल्यूम में बदलाव आ रहा है। लेकिन इस वाले केस में उन दोनों का उल्टा हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है, शेप बदल जा रहा है पर वॉल्यूम और डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो ये तो थे तीन टाइप के स्ट्रेसेस डियर फ्रेंड्स, बड़े बारीकी से मैंने तुमको बता दिया है। और अब हम देखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेन की पहले बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रेन की बेसिक डेफिनेशन है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन के तीन टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा सर, सिंबल क्या लिया है मैंने, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन सिंबल लिया। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल्स हैं, कुछ बुक्स में इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पर मैं इसको इसके लिए यूज कर रहा हूँ एप्सिलॉन। अगर आपने कुछ और सिंबल यूज किया है तो आप वही यूज करें, कोई ऐसी बात नहीं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। शियर स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, अब ये क्या है मैं बताता हूँ अभी। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चलो हम जरा ध्यान देते हैं कि शियर स्ट्रेन में ये डेल्टा एक्स और एक्स क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मान लो ये कोई बॉडी है, मतलब एक्चुअली ये स्फीयर हम देख रहे हैं ना, इस स्फीयर पे जब मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो उसके वजह से ये सॉरी ये क्यूब जो है, ये क्यूब पे जो हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, मान लो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्यूब थोड़ा बेंड हो गया, क्यूब बेंड होकर ऐसा हो गया। तो ये थ्री डी डायग्राम है, ये 2D डायग्राम है, सामने से दिखा रहे हैं इसको। तो क्यूब बेंड हो गया, क्यूब बेंड हुआ तो उसमें बेंडिंग कितने से आई, डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, इसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट लेयर, जिस लेयर का तुम डेल्टा एक्स ले रहे हो उसी लेयर की दूरी चाहिए हमको, कहां से, फिक्स्ड लेयर। सो एक्स इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लेयर, डिस्प्लेस्ड लेयर फ्रॉम दी फिक्स्ड लेयर। फिक्स्ड लेयर से उस लेयर की दूरी कितनी है जिसका इस तरह से शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है डेल्टा एक्स जितना ज्यादा होगा शियर स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा, यानी शेप में उतना ज्यादा बदलाव आएगा। डेल्टा एल जितना ज्यादा होगा लेंथ में उतना बदलाव आएगा, तो
डेल्टा वी जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम में उतना बदलाव आएगा। तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम स्ट्रेन होगा, जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा कम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कम शीयर स्ट्रेन ज़्यादा शीयर स्ट्रेन, कम वॉल्यूम स्ट्रेन ज़्यादा वॉल्यूम स्ट्रेन। समझ में आ रही है? सब डिपेंड करता है डेल्टा एल, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी पे, ये चीज़ें कितने से चेंज हो रही हैं। जितना ज़्यादा वो चीज़ें चेंज होंगी स्ट्रेन उतना ज़्यादा क्रिएट होगा बॉडी के अंदर। तो जब भी मैं स्ट्रेस बोलूँ, स्ट्रेस बोलते ही तुम्हारे ध्यान में रिस्टोरिंग फोर्स आना चाहिए, और जब भी मैं स्ट्रेन बोलूँ, स्ट्रेन बोलते ही तुम्हारे ध्यान में चेंज इन डायमेंशन या चेंज इन लेंथ वगैरह तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए, डायमेंशन का चेंज। तो उम्मीद है डियर फ्रेंड ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। अभी जो शियर स्ट्रेन है इसके बारे में कुछ बात और, मान लो ये थीटा एंगल से जो है वो लेयर डिस्प्लेस हुआ, तो अगर थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो टैन थीटा क्या बोल सकते हैं, टैन थीटा बोल सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। और अगर मान लो ये एंगल बहुत छोटा है तो टैन थीटा क्या लिखा जा सकता है, थीटा लिखा जा सकता है, और फिर थीटा को हम बोल सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो इसी वाली को अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो जो कि हमने स्ट्रेन लिखा था शियर स्ट्रेन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, उसी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा लिख सकते हैं, और उसी टैन थीटा को अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा लिख सकते हैं। यानी अल्टीमेटली ये जो शियर स्ट्रेन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेन को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेन को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान से देख लेंगे डिफरेंस, ये अगर कॉपी डाउन करना है तो कॉपी डाउन कर लेंगे। तो इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक से बढ़ेंगे। उम्मीद है यहाँ तक सारी बात समझ आ गई होगी।